हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हॉरर ट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो एक ऐसी मूवी के ऊपर होने वाली है जो हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है। इस मूवी का नाम है द रुइंस और इसे डायरेक्ट किया है कार्टर स्मिथ ने। इस मूवी को साल 2008 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधे मूवी की स्टोरी की तरफ। लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी डरी हुई होती है और अंधेरे में कहीं फंसी हुई होती है। उस लड़की के चारों तरफ बेल की झाड़ियां होती है जो काइंड ऑफ एनर्जी उसे जकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को जो वैकेशन पे मैक्सिको आए हुए थे। उस ग्रुप में दो लड़के और दो लड़कियां होती हैं, जेफ जो कि एमी का बॉयफ्रेंड होता है और एरिक जो कि स्टेसी का बॉयफ्रेंड होता है। वो सारे फ्रेंड्स एक रिजॉर्ट पार्टी में इंजॉय कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एमी ये नोटिस करती है कि उसकी इयररिंग्स खो गई है और वो उसे ढूंढने लगती है। तभी एक लड़का एमी के पास आता है जिसका नाम मैथियस है और वो एमी को उसकी खोई हुई रिंग वापस करता है। एमी उसे थैंक्स बोलती है और वो सारे फ्रेंड्स उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं। मैथियस उन सभी के साथ ड्रिंक करता है और वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर वो सारे फ्रेंड्स मैथियस से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ अकेले आए हो। तो मैथियस उनसे कहता है कि वो यहाँ अपने भाई के साथ आया है और उसका भाई एक ऑर्कोलॉजिस्ट है जो कि एक खुदाई वाली जगह पर एक लड़की के साथ गया है और वो उन्हें बताता है कि वहाँ एक प्राचीन मयान मंदिर है जहाँ सिर्फ VIP लोग ही जाते हैं और कल मैं भी वहीं जाने वाला हूँ अपने भाई को लाने के लिए क्योंकि वो आज ही लौटने वाला था। मैथियस उन सबसे कहता है कि अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं तो वहाँ चल सकते हैं क्योंकि वो जगह काफी ही एडवेंचर टाइप है और ये सारे फ्रेंड्स एक गुड एडवेंचर मानकर उस जगह पे चलने के लिए मान जाते हैं। फिर अगली सुबह वो सभी रेडी होते हैं जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मैथियस के कुछ फ्रेंड पिछली रात ज्यादा शराब पीने की वजह से जाने की हालत में नहीं होते हैं, इसलिए मैथियस मयान मंदिर का एक मैप बनाता है और उसकी एक कॉपी अपने दोस्तों को देता है और उनसे कहता है कि कल तक तुम लोग भी चले आना। फिर सारे लोग उस मयान मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वो सभी बस से एक गांव तक पहुंचते हैं। वो गांव शहर से काफी दूर होता है और वहां किसी के सेल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। उस गांव से मयान मंदिर 11 मील दूर होता है, इसलिए वो लोग एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं और उन्हें उस जगह पे चलने को कहते हैं। बट टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वो वहां नहीं जाएगा क्योंकि वो जगह काफी खतरनाक है। तभी मैथियस का फ्रेंड दिमित्री डबल पैसे देकर उस ड्राइवर को मना लेता है और फिर वो ड्राइवर चलने को मान जाता है। वो ड्राइवर उन सभी को एक जंगल तक छोड़ देता है जहां मैथियस के भाई हेनरिक की भी गाड़ी लगी हुई होती है। वो सभी हेनरिक की गाड़ी देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मंदिर यहीं आसपास होगा और वो सभी रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी जंगल में उन सभी को दो बच्चे दिखते हैं। एमी उनसे बात करने की कोशिश करती है बट वो बच्चे चुपचाप खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और कुछ देर बाद चले जाते हैं। इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है और फिर ये लोग मंदिर का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बट मैप के अकॉर्डिंग मंदिर का जो रास्ता था उसे किसी ने ढक रखा था। एमी कहती है कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और हमें वापस चलना चाहिए। बट एमी की कोई बात नहीं सुनता है और वो सभी उसी रास्ते में चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर वो सभी लोग उस मयान मंदिर तक पहुंच जाते हैं। उस मयान मंदिर को चारों तरफ से बेल की झाड़ियों ने घेर रखा था और ये नजारा काफी खूबसूरत था। वो सभी उस जगह पर आकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे की फोटो खींचने लगते हैं। बट कुछ ही देर में उन सभी की खुशी एक बुरे वक्त में बदल जाती है क्योंकि वहां पर मयान वासी के कुछ लोग हथियार लेकर आ जाते हैं। उस मयान वासी का मुखिया बहुत गुस्से में होता है और गन दिखाकर उन सभी से कुछ बोलना चाहता है जो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। जेफ को लगता है कि शायद ये लोग पैसे मांग रहे हैं और वो उन्हें पैसे दिखाता है। और तभी हम देखते हैं कि एमी उन सभी की फोटो खींचने के चक्कर में उस बेल की झाड़ियों को टच हो जाती है और वो लोग ये देखकर काफी गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं।
तभी दिमित्री को ऐसा लगता है कि वो सभी उस कैमरे को मांग रहे हैं और वो एमी से कैमरा लेने के लिए उसके पास जाता है और तभी उसके पैर भी उस झाड़ियों को टच हो जाते हैं। वो उस कैमरे को लेकर उन मयानवासियों के नज़दीक जाता है उन्हें देने के लिए, बट तभी हम देखते हैं कि वो मयानवासी दिमित्री के सीने में तीर मार देता है और उस मयानवासी का मुखिया गन से दिमित्री का सर उड़ा देता है। वो मयानवासी लोग उन्हें कुछ समझाना चाहते थे, बट ये लोग दिमित्री की मौत देखकर काफ़ी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस मयान मंदिर के ऊपर चले जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वो सभी चैन की सांस लेते हैं और एरिक पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है, बट उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है। फिर मैथियस अपने भाई को ढूंढने लगता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ उसके भाई की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी को वहाँ की बेलों ने जकड़ रखा था। ये देखकर सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग देखते हैं कि वो मयानवासी लोग पूरे मयान मंदिर को चारों तरफ से घेर लिए हैं और अब उन्हें वहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि उन सभी ने उस झाड़ियों को टच कर लिया था। इन सभी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जेफ उन सभी को समझाता है कि हमें कुछ दिन यहीं रुकना होगा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मैथियस ने अपने दोस्तों को इस जगह का मैप दे रखा है और वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ ही जाएंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। किसी तरह वो सभी जेफ की बात से सहमत होते हैं और यहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद उन सभी को एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक नेटवर्क वाला फोन मिल गया है और वो लोग उस फोन की मदद से किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। बट उस रिंगटोन की आवाज मंदिर के बेसमेंट से आ रही थी। मैथियस उस बेसमेंट में जाने के लिए रेडी होता है और वो सभी उसे रस्सियों की मदद से नीचे भेजते हैं, बट तभी वो रस्सियां बीच से टूट जाती है और मैथियस सीधे नीचे गिर जाता है और उसके पैर और कमर की हड्डियां टूट जाती है। मैथियस अपने आप को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लोग उसकी मदद के लिए स्टेसी को नीचे भेजते हैं, बट वो रस्सी कुछ दूर जाकर खत्म हो जाती है और स्टेसी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। फिर स्टेसी वहां से कूद जाती है, बट पत्थर से टकराकर उसके पैर कट जाते हैं और उसके पैर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। ये सब देखकर एमी बिल्कुल होपलेस हो जाती है और वो नीचे चली जाती है मयानवासियों से मदद मांगने के लिए। जेफ भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो वहाँ उनसे हेल्प मांगती है, बट वो लोग एमी की बात नहीं समझते हैं। तभी एमी गुस्से से बेल की झाड़ियाँ तोड़कर उनकी तरफ फेंक देती है, जो कि एक बच्चे को लग जाती है। वो मयानवासी लोग उस बच्चे को देखकर पागलों की तरह रिएक्ट करते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं। एमी और जेफ ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि जो अपने बच्चे को मार सकता है वो हमें कैसे छोड़ देगा, और फिर वो सभी ऊपर चले जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ उस टेंट की मदद से रस्सियाँ और चरपाई बनाते हैं, जिसकी मदद से स्टेसी और मैथियस को ऊपर लाया जा सके। इस बार वो लोग एमी को नीचे भेजते हैं और किसी तरह वो तीनों उस बेसमेंट से बाहर आते हैं। जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, इसलिए वो मैथियस के घाव साफ कर देता है ताकि उसके पैर में इन्फेक्शन ना फैले। इधर एमी स्टेसी के घाव को साफ करती है और कपड़े से बांध देती है और उसे समझाती है कि घबराओ नहीं, हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, और फिर वो सभी सोने चले जाते हैं। बट जेफ पहरा दे रहा था ताकि वो मयानवासी लोग आकर उन सबको मार ना दे, बट वो देखता है कि वो मयानवासी लोग वहीं जंगल में डेरा जमा लिए हैं ताकि वो सभी यहाँ से बाहर ना जा पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टेसी उठती है तो वो देखती है कि उसके पैरों के अंदर वो बेल की झाड़ियाँ घुस गई है और उसका खून चूस रही है। स्टेसी को काफी दर्द होने लगता है, बट जेफ किसी तरह उस बेल को स्टेसी के पैर से बाहर निकाल देता है। इधर वो लोग देखते हैं कि मैथियस के टूटे हुए पैर को उस बेल ने पूरी तरह से जकड़ लिया है और हड्डियों तक उसके पैर को खा गया है। किसी तरह वो लोग उसकी मदद करते हैं और उसके पांव से उस बेल को हटाते हैं, और तभी उन सभी को फिर से वही रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार एमी और स्टेसी एक साथ उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं। उस बेसमेंट के अंदर एक गहरी गुफा होती है जहाँ से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है, और ये लड़की वही होती है जिसे मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया गया था। उस लड़की के हाथ में फोन होता है। एमी जल्दी से उस फोन को लेती है, बट वो देखती है कि फोन तो खराब है और टूटा हुआ है। तभी एमी देखती है कि रिंगटोन की आवाज फोन से नहीं बल्कि बेल की झाड़ियों के ऊपर बने फूल से आ रहे थे। एमी जैसे ही उस फूल को टच करने की कोशिश करती है, वो बेल उन दोनों को जकड़ लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर उस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। वो दोनों काफी डरे हुए होते हैं। फिर एमी जेफ से कहती है कि रिंगटोन की आवाज़ सेलफोन से नहीं आ रही थी,
बल्कि वो आवाज बेल के फूल निकाल रहे थे। और ये पेड़ शापित है और ये इंसानों का मांस खाती है। जेफ एमी की बात पर यकीन नहीं करता है, जिससे एमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि मैथियस के पूरे पांव में इन्फेक्शन फैल गया है। जेफ उन सब से कहता है कि मैथियस के पैर काटने होंगे, नहीं तो इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। बट कोई जेफ की बात से सहमत नहीं होता है। एट द एंड मैथियस जेफ से खुद कहता है कि उसके पैर काट दे। जेफ उसके पांव काट देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके कटे हुए पैर को बेल की झाड़ियां खींचकर ले जाते हैं। और तब यहां जेफ को एमी की बात का यकीन होता है। उसी रात वो लोग सो रहे होते हैं, तभी जेफ देखता है कि वो बेल मैथियस के मुंह में घुस रहा है और उसकी पूरी बॉडी को जकड़ रहा है। जेफ उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके मुंह से वो बेल निकालता है, बट तब तक मैथियस की मौत हो जाती है। वो लोग काफी डर जाते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग देखते हैं कि स्टेसी के पूरे बॉडी में वही झाड़ियां घुस गई है जिसे जेफ ने मॉर्निंग में निकाला था। स्टेसी काफी डर जाती है। तभी जेफ चाकू से उसके पैर काट कर उस बेल को बाहर निकालता है। स्टेसी उनसे कहती है कि ये मेरी कमर तक भी पहुंच गया है और बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इसे भी निकाल दो। फिर जेफ उसके कमर को भी काट कर वहां से बहुत बड़ी बेल निकालता है जो कि मूवमेंट कर रही होती है। स्टेसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो कहती है कि शायद ये मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो बेल स्टेसी के दिमाग तक पहुंच गया है, बट वो लोग उसे नहीं बताते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से उस बेल के बस में आ जाती है और हर बार अपने आप को काटने की कोशिश करती है। बट किसी तरह वो लोग उसे समझाते हैं कि ज्यादा कट करने से तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर वो सभी लोग स्टेसी को शराब पिलाते हैं और सभी आराम करने लगते हैं। फिर सडनली स्टेसी उठकर चाकू ढूंढने लगती है। वो इतनी ज्यादा उस बेल के वश में आ जाती है कि चाकू से अपना पूरा शरीर कट कर लेती है। और ये सीन इस मूवी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला होता है। वो अपने सर और घुटने को पूरी तरह से काट लेती है और खून से लथपथ हो जाती है। ये देखकर जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो जेफ के हाथ में चाकू मार देती है। फिर एरिक भी उसे रोकने की कोशिश करता है और स्टेसी इतनी ज्यादा पॉजेस हो जाती है कि उसी चाकू को एरिक के चेस्ट में घुसा देती है और एरिक की मौत वहीं हो जाती है। और फिर वही बेल एरिक की बॉडी को भी खींच कर ले जाता है। इधर स्टेसी भी काफी तड़प रही होती है और उन दोनों से कहती है कि मुझे मार दो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जेफ उसके दर्द को कम करने के लिए उसे मार देता है क्योंकि वो जानता था कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने के बाद स्टेसी नहीं बचने वाली है। फिर जेफ एक प्लान बनाता है और एमी की पूरी बॉडी पर स्टेसी की खून लगा देता है और एमी को मैथियस के भाई की जीप की चाबी देता है। फिर जेफ एमी की बॉडी को एक लाश की तरह उठाकर उस मंदिर से नीचे आता है और उन मयान वासियों के सामने जमीन पर नीचे रख देता है। फिर जेफ उन मयान वासियों को अपनी बातों में उलझाए हुए रखता है और दो बार जोर जोर से एमी एमी बोलता है। तभी एमी वहां से उठकर भागने लगती है। वो सभी एमी का पीछा करने लगते हैं और इधर वो लोग जेफ को तीरों से मार देते हैं। एमी किसी तरह जान बचाकर भागते भागते उस जीप तक पहुंचती है और जीप स्टार्ट करके उस जंगल से बाहर निकल जाती है। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मैथियस के वही फ्रेंड उन्हें ढूंढने आ जाते हैं जिन्हें मैथियस ने उस जगह की एक मैप की कॉपी दी थी। मतलब अब वो लोग भी इस बेल का शिकार होने वाले हैं। और एंड में हम देखते हैं कि एमी के फेस में भी वही बेल घुस चुके हैं और रेंग रहे हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि मूवी समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली ये मूवी प्राचीन मयान मंदिर के शापित बेल के ऊपर है और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो भी इंसान इस बेल के कांटेक्ट में आते हैं वो उन्हें जकड़ कर मार कर खा जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को मैप से भी हटा दिया गया है ताकि कोई इंसान उस मंदिर तक ना पहुंच पाए। और वहां के मयानवासी लोग उस जगह की रखवाली करते हैं और जो कोई भी इंसान उस बेल के कांटेक्ट में आता है वो उन्हें मार देता है, जैसे उन लोगों ने उस बच्चे को मार दिया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये शापित बेल इस जगह से कहीं बाहर जाए और पूरी दुनिया में फैल जाए। बट एंड में हम देखते हैं कि वो बेल एमी के बॉडी के जरिए उस मयान मंदिर से बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों, द रुइंस मूवी की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।